लंदन में हवा की गुणवत्ता अगर बेहतर होती तो रोजामुंड किसी डेबराह की बेटी आज शायद जिंदा होती। एला सिर्फ 7 साल की थी जब अचानक बहुत बीमार हो गई। मेरी दिवंगत बेटी एला रॉबर्टा दमे की मरीज थी। इस देश में दर्ज अस्थमा के सबसे खराब मामलों में से एक था उसका मामला। अक्टूबर में शुरू हुआ था, सर्दी के लक्षण थे, काली खांसी थी। दिसंबर में उसे पहला दौरा पड़ा, पहली बार कोमा में चली गई। वायु प्रदूषण से संबंध था उसका, और अपनी रिसर्च में मैंने पाया कि वायु प्रदूषण से दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित होते हैं। बीमार पड़ने से पहले एला पूरी तरह स्वस्थ और खेलने कूदने वाली बच्ची थी। उसे तैरना और फुटबॉल खेलना पसंद था। वो कई साज भी बजा लेती थी। दमे ने सब बदल डाला। काम की आपाधापी के बीच अपना फोन हमेशा पास रखती थी कि कहीं उसके स्कूल से फोन ना आ जाए, कि उसके फेफड़े चलने बंद हो गए हैं। अस्थमा का जानलेवा दौरा पड़ने से पहले एला 2 साल तक तकलीफ झेलती रही। उसकी माँ एक्टिविस्ट बन गई। डॉक्टरों और वकीलों की मदद से वो ये साबित करने में सफल रही कि उनकी बेटी का अस्थमा बेहद ज्यादा वायु प्रदूषण के दिनों में ज्यादा भड़क जाता था। मैं चाहती थी कि आधिकारिक तौर पर इसे दर्ज किया जाए। उसने जो कुछ भुगता था उस लिहाज से इतना तो हक बनता है उसका। 28 महीने अपनी बलगम में उसका दम घुटता रहा। उसे अस्थमा नहीं होना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने जो सब भुगता वो इस देश में कोई दूसरा बच्चा ना भुगते। लंदन में समस्या है। शहर का अधिकतर हिस्सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु प्रदूषण मानकों को लांघ चुका है। बहुत सारी मशहूर काली टैक्सियां डीजल से चलती हैं जो हवा की गुणवत्ता के लिए खास तौर पर बुरी हैं। हर साल सैकड़ों लंदनवासी जहरीली हवा की वजह से अस्पतालों में भर्ती होते हैं। लंदन की सबसे प्रदूषित सड़कों में से एक पर है सेंट मैरी स्कूल। एला की मौत से हिले अभिभावकों ने मामला अपने हाथ में ले लिया। हमारा डर सही निकला। सभी जानते हैं कि ये बच्चों के लिए बुरा है। वे बड़े हो रहे हैं, उनके फेफड़ों को विकसित होना है। एक रोज मुझे याद है, अपने बेटे को स्कूल ले जाते हुए खेल के मैदान में पहुंचे तो सड़क से कान फोड़ू शोर आ रहा था। हर रोज 1,00,000 कारें। अभिभावकों ने कक्षाओं में एयर प्यूरिफायर लगाने के लिए करीब 1,00,000 पाउंड क्राउड फंडिंग से जमा किए। प्राकृतिक एयर फिल्टर के तौर पर काम करने वाले 12,000 पौधे भी लगाए गए। पहले बच्चों को 15 मिनट से ज्यादा बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। I think it's a good thing because it might actually stop the air pollution coming into this school. They smell nice and that they give us air. Because our school is right next to a really busy road. So it helps us a lot. लेकिन रोजामुंड किसी डेबराह मानती हैं कि कुछ और भी होना चाहिए। अहमियत तो असल में कानूनों की ही होती है। बच्चों के अधिकार जरूरी हैं। साफ हवा में सांस लेना उनका हक है। सारी सरकारों को ये करना चाहिए, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे करेंगे, लेकिन वो कर सकते हैं। रोजामुंड जानती हैं कि वायु प्रदूषण जानलेवा हो सकता है। जब तक दूसरे बच्चों की जिंदगियां खराब हवा के खतरों से घिरी हैं, तब तक अपनी बेटी के नाम पर वो लड़ाई जारी रखेंगी।